CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम बंदर और बया। आलेख ब्रिज बल्लभ मिश्र का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़ा शैतान था। हाँ, न काम न धाम, सारे दिन कूदता फिरता इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर। उसी जंगल में एक बया भी रहती थी। जानते हो दोस्तों, बया बड़ी समझदार होती है। समझदार ही नहीं, बहुत मेहनती भी होती है। उसने सोचा कि बरसात आने वाली है, चौमासे में पानी खूब बरसता है, इसलिए उसने बरसात से बचने के लिए उपाय सोचा। जानते हो दोस्तों क्या? बताएगा तुम में से कोई? बताओ बताओ। पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ पर क्या बनाते हैं? हाँ सोचो सोचो। घोंसला। हाँ, बारिश से बचने के लिए पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो दोस्तों बया ने भी यही किया। दिन रात मेहनत की, तिनका तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका लिया। एक बात तो हम भूल ही गए, बया का घोंसला बड़ा अजीब होता है। बया अपने घोंसले में एक खाना तो बनाती है बड़ा, और बाकी खाने वो बनाती है छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए। दोस्तों एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बंदर भाई भीगते हुए उसी पेड़ पर आ बैठे जहां बया का घोंसला था। पानी बहुत जोर से बरस रहा था। बया को बंदर पर दया आई और बोली, क्यों बंदर जी, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे बया, देखती नहीं चारों ओर पानी ही पानी है। मैं भीग रहा हूँ, उस पर ये ठंडी हवा चल रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है। बंदर जी ये कैसी बात, ऊपर पड़ती है बरसात, सर्दी तुम्हें सताती है फिर भी समझना आती है। वर्षा से बिल्कुल बच जाते, साधन कोई अगर जुटाते, दिन भर उछला करते हो, मेहनत से तुम डरते हो। ज्यादा बात बनाओ मत, सेठी मुझे दिखाओ मत, छोटा मुंह और बात बड़ी, जीभ चलाती खड़ी खड़ी, गुस्सा मुझे दिलाएगी तो पीछे तू पछताएगी। तू चिड़िया मैं बंदर हूँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।
मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी बंदर जी। इतने भीग रहे हो, कुछ नहीं तो वो सामने माली के छप्पर पर डलिया पड़ी है, उसे उठाकर सिर पर रख लो, कुछ तो बचोगे ही। अरे तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने? मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी हूँ। ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था। कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पात लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना, ताकि पानी बरसे तो चैन से उसके नीचे बैठ सको। अरे कल की कल देखी जाएगी, अब तू सीख बंद कर। मैं डलिया लाकर पहले आज का काम चलाता हूँ। दोस्तों, वो रात बंदर ने सिर पर डलिया रखकर काट दी। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी। बंदर फिर उछल कूद में मस्त हो गया। दो चार दिन बाद फिर पानी बरसा। पेड़ पर बैठा बंदर भीगने लगा। हाँ, बया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। बंदर को भीगता देखकर वो पूछ बैठी, तुम्हारी उस दिन वाली डलिया कहाँ गई? उसे सिर पर ढक लो। डलिया क्या रखी रहेगी, उछल कूद में वो तो अगले दिन ही टूट गई। अरे ऐसी उछल कूद क्यों की? कि डलिया ही तोड़ डाली। चुप रह, टूट गई तो टूट गई। जिससे नुकसान होता हो ऐसी आदत बुरी होती है। हाँ, और बुराई तो छोड़ने की ही चीज होती है। दिन भर हाथ चलाते हो, समझदार कहलाते हो, कोई आदत अगर बुरी है क्यों न छोड़ तुम पाते हो। डलिया टूटी है माली की, आदत मेरी साथी है, अक्लमंद बन कर क्यों मुझसे ज्यादा जीभ चलाती है। मैं तो इसलिए कह रही थी बंदर जी कि तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। फिर मैंने तो ये भी कहा था कि दिन में कहीं से घास पात बटोर कर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेते, तो ये कष्ट क्यों सहन करना पड़ता? मेरे आगे जीभ चलाती है, क्यों ज्यादा इतराती है? छोटा मुंह और बड़ी बात कर मुझको सीख सिखाती है। नहीं जानती मेरी ताकत, मुझसे आँख मिलाती है। मैं पानी में भीग रहा हूँ, तू बैठी इतराती है। हे राम, यही तो मैं भी कहती हूँ बंदर जी, कि भगवान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकत दी है, मुझसे ज्यादा बड़ा शरीर दिया है। मुझे कोई चीज लानी होती है तो चोंच में लाती हूँ। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, फिर भी अपने बचाव का इंतजाम नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये है कि क्या मतलब? ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे बच्चों, ये क्या? बया चिड़िया तो रोने लगी। क्या तुम सोच सकते हो कि बया चिड़िया क्यों रोई?
सोचो सोचो, आखिर बंदर ने गुस्से में आकर क्या किया? सोचो। शाबाश, कुछ बच्चे तो बता रहे हैं। अरे भाई जरा जोर से बताओ। हाँ, बंदर ने गुस्से में आकर बया का घोंसला ही तोड़ दिया। तभी तो बया रोने लगी। दोस्तों, बंदर ने अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया तो गुस्से से बया का घोंसला ही तोड़ दिया। दोस्तों, बंदर ही नहीं और भी बहुत से जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। क्या तुम ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हो? सोचो सोचो। हाँ शाबाश, बताओ। हम तुम्हें ये बता देते हैं कि ये जानवर अपने लिए घर बनाते तो नहीं, पर दूसरे जानवरों के बनाए घरों में रहने लगते हैं। हाँ भाई, जरा सोच कर बताओ। हाँ बताओ बताओ। अच्छा दोस्तों, हम कुछ अता पता बता देते हैं। बता दे। अच्छा ये बताओ, चूहा कहाँ रहता है? बताओ बताओ। हाँ, बिल में। अच्छा, और कौन सा जानवर है जो अपना बिल नहीं बनाता और दूसरे जानवरों के बिल में रहता है? सोचो सोचो। याद आ गया? हाँ, सांप। दोस्तों, वो अपना घर खुद नहीं बनाता। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से जानवर हैं जो घर बनाकर रहते हैं और कई जानवर अपना घर नहीं बनाते, जैसे वो बंदर था, है ना? अच्छा दोस्तों, तुम भी सोचना और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। सोचोगे ना? एक डाल पर बैठा बंदर, एक डाल पर बैठा बंदर, भीग रहा पानी के अंदर, भीग रहा पानी के अंदर, थर 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 कांप रहा था, कहाँ छिपूं मैं झांक रहा था, थर 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 कांप रहा था, कहाँ छिपूं मैं झांक रहा था। बंदर मामा, ओ बंदर मामा, बोली चिड़िया नहीं मिली है छतरी बढ़िया। बंदर मामा, ओ बंदर मामा, बोली चिड़िया नहीं मिली है छतरी बढ़िया। बना नहीं घर भीग रहे हो, आछी आछी छींक रहे हो। सुन मामा को गुस्सा आया, चिड़िया का घर तोड़ किराया। चू 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 चिड़िया रोई, चू 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 चिड़िया रोई। बैठ डाल पर वहाँ भी सोई, बैठ डाल पर वहाँ भी सोई, बैठ डाल पर वहाँ भी सोई। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।